अब आप लोग देखिएगा, महंगाई महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के इनके घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपये के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में नोटबंदी के समय, सब लोग जो हैं व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है, और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का GDP माइनस में चला गया है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपये हो जाता था, 60 रुपये हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये, तो अब कहाँ है ये लोग। तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में, एकदम देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको बल्कि उभारने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो और जो है ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान तबाह है, नौजवान बेरोजगार है, बिहार गरीब है, बिहार के लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी, नौकरी को लेकर के पलायन कर रहे हैं, भूखमरी बढ़ी है। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने स्थिति देखी थी, जो मजदूर आए हैं उनको कोई काम नहीं है, खेती बाड़ी का अब तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज ही कराया जा रहा है, जो सही मूल्य किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, उनकी सुरक्षा का जो रेट है अब जो है बिचौलिया आकर के जो है धंधा करेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पर हमको कोई बोलना ही नहीं है, जब बोलना था हमने बोल दिया। लेकिन आज सवाल है महंगाई, कौन क्या मुद्दा बनाता है, मुद्दा बनाने से होता है। जो सच्चाई है उसको हम लोग जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रख रहे हैं। ये देखिए माला, अब ये किसको पहनाया जाए, कहाँ है भैया, ढूंढो नीतीश जी को, ढूंढो नीतीश जी को, ढूंढो नीतीश जी ने क्यों चुप्पी साधी है। अरे भैया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी चुप्पी क्यों है, उनके मुंह में दही क्यों जमी है, उनको तो केवल हम तो ये पूछे रहे हैं ना, उनको क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, उनको कुर्सी जाते हुए दिखाई दे रहा है।